वेलकम इन्वेस्टर्स, ऑन विद स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 12 मई 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम डिशमैन कार्बो के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे बेरिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। अभी जो स्क्रीन पर आप देख पा रही है डेली चार्ट है, और डेली चार्ट पे यहाँ पे बेरिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन होने के बाद हम देख पा रहे हैं कि स्टॉक का जो प्राइस है वो गैप डाउन ओपन हुआ और यहां से एक हैमर जैसा अभी तक कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो टेक्निकल एनालिसिस को आगे बढ़ाने से पहले हम डिशमैन कार्बो के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको चेक करते। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। और अगर हम इन क्वार्टरली बार्स के ऊपर अगर नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं प्रीवियस क्वार्टर के कंपेयर में इस क्वार्टर में हमें फॉल देखने को मिल रहा है। ये थर्ड क्वार्टर 2020 का रिजल्ट है, जिसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसने किया था, और उसको अगर प्रेजेंट क्वार्टर के साथ कंपेयर करते तो हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है। ये फॉल आपको इन नंबर्स में भी देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू, नेट इनकम, ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अगर हम एनुअल इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखें तो कंपेयर टू 2019-2020 में जो इनका रहा है, तो 2019 से हमें एक फॉल यहाँ पे देखने को मिला है, अगर 2020 के हम फाइनेंशियल चेक करते हैं तो। अब चलते हैं हम चार्ट की ओर और देखते हैं, क्योंकि ये जो एक कंपनी है, ये जहाँ तक डिशमैन कार्बो एक फार्मा कंपनी है, जिस तरीके से टोरेंट फार्मा एंड ओकार्ट, कैपलिन, पॉइंट, जस्ट लाइक उस तरीके की ये कंपनी है। अब चलेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस की ओर। तो सबसे पहले हम चलते हैं मंथली चार्ट पे और वहां पर देखेंगे कि मंथली चार्ट पर किस तरीके के कैंडल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। और यहाँ पे एक जो रैली हमें देखने को मिल रही है, लगभग 100 से लेके 200 यानी कुछ दिनों के ट्रेडिंग सेशन में ही, यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो 2 या 3 वीक का ट्रेडिंग सेशन होगा ये, तो ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम मंथली चार्ट पे। तो अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये डिशमैन कार्बो का मंथली चार्ट है, और मंथली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो बहुत दिनों से स्टॉक का जो प्राइस है वो डाउन साइड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए हम इस मंथली चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो मैं इस हाइस को और इस हाइस को यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो एग्जैक्ट हमें यहाँ पे मंथली चार्ट पे एक डाउन ट्रेंड लाइन मिल रही है, उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक मंथली सप्लाई है, और ये सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ था, मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये सप्लाई है 225 से लेकर तो 215 के आसपास का। अगर हम यहाँ पे इन मंथली चार्ट को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 मंथ तक बहुत अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ था और अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी हमें देखने को मिले थे, लेकिन जैसे ही ये अपने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई के स्टार्टिंग पॉइंट में ही आया तो वैसे स्टेडी एंड स्लोली ये लगातार 6-7 मंथ से डाउन साइड ट्रेड करता हुआ फिर से नीचे आया, और यहाँ से लास्ट मंथ में हमें एक अच्छा खासा बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखा। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है इसने इस मंथ के ट्रेडिंग सेशन में एक रेजिस्टेंस का यहाँ पर वर्क किया है, और उसी के चलते प्राइस जो है वो 192 से डाउन साइड ट्रेड करते हुए नजर आ रही है। अब चलते हैं हम वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट पे देखेंगे कि किस तरीके के प्राइस एक्शन हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये डिशमैन कार्बो का एक वीकली चार्ट है, और वीकली चार्ट में मंथली सप्लाई के जस्ट सामने एक फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुआ है, वीकली सप्लाई, और ये वीकली सप्लाई है लगभग 198 से लेके तो 215 का। और इस वीक के पूरे ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं प्राइस एक डाउन साइड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी अगर मुझे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है तो मैं अगर इस हाइस को यहाँ पर कनेक्ट कर लूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड लाइन बन चुका है। बट एक अच्छी बात यह है कि इस वीकली चार्ट पे हमें एक डिमांड जोन भी मिल रहा है, जिस डिमांड जोन में हम स्टॉक में लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वो वीकली डिमांड जोन है यहाँ पर लगभग 110 से लेकर तो 126 का।
सॉरी, तो यहां पर एक वीकली डिमांड जोन है, और इस वीकली डिमांड जोन में अगर प्राइस आता है, और हमें एंट्री इस वीकली डिमांड जोन में ही लेना चाहिए क्योंकि ये अपने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई को छू के आया है और यहाँ पे वीकली सप्लाई को ये टेस्ट करके नीचे आ रहा है, तो इसीलिए हमें एंट्री इस वीकली डिमांड जोन में ही लेना चाहिए। अब चलते हैं हम इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे, मीन्स डेली चार्ट पे, और वहां पर देखेंगे कि डेली चार्ट पे हम कहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर वीकली सप्लाई में प्राइस आया, यहाँ पे बेरिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और आज के ट्रेडिंग सेशन में ये गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पे अगर हल्का फुल्का हैमर भी बनता है तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, यहाँ एक फॉल्स इंडिकेशन रह सकता है और प्राइस फिर से थोड़ा सा अपसाइड जाके प्राइस आने वाले दिनों में फिर से नीचे आएगा। अगर हम डेली चार्ट पे देखें तो यहाँ पर एक फ्रेश डेली डिमांड जोन है जहाँ हम इस स्टॉक में एक स्विंग ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं, वो 126 से लेकर तो 117 का है। तो ये था डिशमैन कार्गोजेन का डिमांड सप्लाई बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस। यह एनालिसिस अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और फर्स्ट टाइम अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।